नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु कवल। आप देख रहे हैं हमारे चैनल डिजिटल दी फॉर यू पे, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले इंस्टाग्राम के बायो के बारे में, कि काफ़ी लोगों के मुझे डीएम आते हैं, सर हम एक परफेक्ट और एक अच्छी बायो कैसे डिज़ाइन करें जिसकी हेल्प से आप अपने फॉलोवर इंक्रीज कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको एकदम डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखें, सो दैट एंड में मैं आपको देने वाला हूँ बोनस टिप, बोनस बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक परफेक्ट बायो लिखकर खूब सारे फॉलोवर गेन कर सकते हो और अपने बिजनेस और अपनी इनकम को स्पीड से ग्रो कर सकते हो। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेट्स गो। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, क्लिक करके जाके फॉलो करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम काफी ज्यादा प्रीमियम और वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते हैं जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक परफेक्ट इंस्टाग्राम बायो डिजाइन करें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंस्टाग्राम बायो की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें ये वीडियो देखना जरूरी है और क्यों हमें एक अच्छी बायो डिजाइन करनी चाहिए। इंपॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन। आपकी जो भी बायो आप लिखते हो अपने इंस्टाग्राम में, वो कोई भी नए यूजर यूनिक विजिटर्स के लिए फर्स्ट इंप्रेशन है आपका और आपकी आइडेंटिटी का। यह आपकी एक आइडेंटिटी भी रिप्रेजेंट करती है कि आप एग्जैक्टली क्या हो और आप कैसे लोगों को हेल्प करते हो, क्या क्या चीज आप लोगों को सिखाते हो। और यह आपकी पर्सनैलिटी भी शो करती है कि आपकी क्या क्या हॉबीज है। काफी लोग अपनी हॉबीज को भी अपनी बायो में मेंशन करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी को भी ये आपको लोगों को शो करती है कि आप किस टाइप के पर्सन हो। ठीक है, तो ये होगी इसकी इंपॉर्टेंस कि आपकी बायो क्यों इतनी जरूरी है, क्योंकि नए विजिटर जो भी आएंगे वो आपको फॉलो तभी करेंगे जब उन्हें दिखेगा कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो या नहीं। अब बात कर लेते हैं टिप्स के बारे में कि कौन कौन से टिप्स आपको एक अच्छी बायो डिजाइन करते वक्त हमेशा ध्यान में रखने हैं। टिप्स आपके कुछ ये है। सबसे पहले आता है आपका नेम। जब भी आप अपनी बायो डिजाइन करोगे तो आपको अपने यूजर नेम के साथ अपना नेम भी लिखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊं, जैसे मेरी ये बायो का है, इसमें मैंने अपना मेंशन कर रखा है दीपांशु कवल, ये मेरा ओरिजिनल नेम है। आप अपना वहां पे ओरिजिनल नेम भी लिख सकते हो, जो भी आपका यूजर नेम आपका कुछ भी हो सकता है अपने बिजनेस के रिलेटेड, लेकिन वहां पे आप अपना ओरिजिनल नेम लिख सकते हो कि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो कि आप एग्जैक्टली रियल में हो कौन। ठीक है, अब उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो अपनी स्किल्स, किस किस स्किल्स में आप एक्सपर्ट नहीं भी हो लेकिन क्या क्या चीज आपको आती है और क्या क्या लोगों को आप चीजें सिखा सकते हो, इसलिए वो लोग आपको फॉलो करेंगे। जैसे मैंने लिख रखा है डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ और मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ, लोगों को हेल्प करता हूँ कि कैसे वो अर्निंग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्मार्टफोन से। उसके बाद आप अपने बायो में कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो, जो भी आप कीवर्ड यूज करना चाहते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, आप हैशटैग भी यूज कर सकते हो और कीवर्ड भी। कीवर्ड जैसे आप देख सकते हो मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटर, एफिलिएट मार्केटर, ये क्या है, कीवर्ड है। कोई भी जो भी आपका प्रोफेशन है उसका एक कीवर्ड होता है, तो वो लिखने से लोगों को क्लियर हो जाता है कि एग्जैक्टली आप क्या करते हो और लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हो। उसके बाद आती है फोर्थ पॉइंट की बात, जो कि आपका ईमेल आईडी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो या कोई आप प्रोफेशनल हो, आप किसी के अंडर काम करना चाहते हो, तो आपको लोग कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे या आपको हायर कैसे करेंगे, आपके ईमेल आईडी के थ्रू। तो आप अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकते हो। अगर वो आपका ऑप्शन नहीं होता तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आप इसमें लिमिट होती है आपकी बायो में लेटर लिमिट्स, तो वो अगर आपकी खत्म हो जाती है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन जो बचता है वो आपका ये बचता है जो एडिट प्रोफाइल के सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में होता है, इसको बोलते हैं प्रोफाइल डिस्प्ले ऑप्शन। इसमें आप जब अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, ईमेल आईडी और अपना कॉन्टेक्ट नंबर, तो आपको टेक्स्ट और ईमेल का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये ब्लू टिक पे एनेबल करना है बस। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है अगर आप अपनी ईमेल आईडी लोगों को शो करना चाहते हो। उसके बाद आप इंक्लूड कर सकते हो CTA। CTA मतलब होता है कॉल टू एक्शन, मतलब लोगों को आपकी बायो में पढ़ने के बाद एग्जैक्टली करना क्या है
वो आपको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई कोर्सेज लॉन्च कर रहे हो, कोई वेबिनार अटेंड करा रहे हो, तो उसका भी लिंक आप नीचे अपने डिस्क्रिप्शन इसमें ही वेबसाइट वाले बॉक्स में दे सकते हो, जैसे मैंने दे रखा है आर यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। और आप आस्क मी हाउ इस बायो में भी लिख सकते हो, बायो के डिस्क्रिप्शन में। तो वो एक कॉल टू एक्शन साबित होता है कि लोग आपके बायो पढ़ने के बाद उन्हें क्या, आपके अगर हेल्प चाहिए हो तो क्या करना करें, ठीक है। उसके बाद जो काफी इम्प्रेसिव चीज लगती है मुझे, वो है एड अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक सिंपल सा मैं आपको समझाऊं क्या होता है। काफी लोगों के अपने बायो देखी होगी तो वो सारा जो भी चीजें है वो एक साथ लिख लेते हैं, तो वो ना लिख के आप ऐसे ही टाइप से लाइन ब्रेक करके लिखो जिससे लोगों को क्लियरली विजिबल हो, और बुलेट पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो और इमोजीज भी यूज कर सकते हो इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। और अपना फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, काफी लोग देखा होगा आपने चेंज कर लेते हैं वो फॉन्ट। उसके लिए आपको सिंपल सा गूगल पे जाना है और इंस्टाग्राम फॉन्ट करके सर्च मारोगे तो आप ना कॉपी पेस्ट करके आपको मिल जाएगा अलग अलग फॉन्ट। उसके बाद काफी लोग अपनी लोकेशन भी लिखते हैं, अगर आप चाहते हो आप अपनी लोकेशन मेंशन करना तो आप लोकेशन भी मेंशन कर सकते हो। जैसे फेमस हमारे यूट्यूबर है टेक्निकल गुरु जी, इन्होंने जैसे अपनी लोकेशन मेंशन करके दुबई यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो आप अपनी लोकेशन भी मेंशन कर सकते हो लोगों को बताने की आप कहाँ भी रहते हो, और अपने वर्किंग आवर्स भी, जिससे लोग आपको आपके फ्री टाइम में आपको कॉन्टेक्ट कर पाए। सो यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट समझ आ गया होगा कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं। अब बात आती है हमारी अटेंडेंस की, तो मैं आपको अटेंडेंस में थोड़ा सा बता दूं, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, कितने लोग सीरियसली अपना इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहते हैं, तो उनको मैं एकदम क्लैप देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही सीरियस हैं और आप बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल बनोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे लाइक करके बता देना है कि हम प्रेजेंट है, सो उसे मुझे पता लग जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से बोनस आपको मिलेंगे किसकी हेल्प से, आपके एक अच्छी बायो लिखने की वजह से। सो वो मिलेंगे आपको, आपके बढ़ेंगे फॉलोवर्स इसकी हेल्प से। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, जब भी कोई पर्सन आपकी बायो पे आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है तो वो देखता है कि आप उसको क्या चीज वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। कोई भी पर्सन बिना मर्जी किसी को भी फॉलो नहीं करता, तो उसके पीछे ही रीजन होता है। तो वो रीजन आपको देना है कि क्या आप उनकी कोई चीज में हेल्प कर सकते हो, कोई चीज सिखा सकते हो। उसके बाद आप अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई प्रोडक्ट है, तो आपका प्रोडक्ट उनको क्या हेल्प देगा, उनकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन देगा, तो वो भी आपकी बायो से पता चलता है। उसके बाद अगर आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो आपकी इनकम भी डेफिनेटली बढ़ेगी। ये तो हो गया बोनस जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताता है, आपको मिलेंगे तीन तीन बोनसेस। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज की। अगर आपने अपने बायो डिजाइन कर ली, आप अपने सब कुछ आपने ये टिप्स के थ्रू अपनी बायो डिजाइन कर लेते हो, उसके बाद लास्ट ऑप्शन रहता है आपका कि आप अपनी बायो कैसे एडिट करो। तो वो भी मैं आप इस वीडियो में आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कैसे आप एक अपनी परफेक्ट बायो लिखने के बाद एडिट कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है अपनी प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे जाओगे, उसके बाद आपको मिलेगा एडिट प्रोफाइल का बटन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोफाइल बटन पे एडिट प्रोफाइल के क्लिक करते ही आपको सेक्शन मिलेगा यहाँ बायो का, ये वाला जैसे मेरा देख रहे हो आप, यहाँ पे बायो का ऑप्शन मिलता है आपको, थोड़ा सा क्लियरली विजिबल नहीं है ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे थर्ड ऑप्शन में, उसके बाद बायो का ऑप्शन खुलेगा। उसमें आप करना है आपको सिंपल सा अपनी बायो लिखनी है, अपना इमोजीज या बुलेट पॉइंट जो भी आप डालना चाहते हो, और उसके बाद आपको एक टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जिससे आपकी बायो एकदम सेव हो जाएगी। सो आई होप आप सबको सारा एकदम हिंदी में इजी लैंग्वेज में आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको समझाया। उस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक मैसेज देना चाहता हूँ, उसको सुने बिना बिल्कुल ना जाए। देखते हैं वो मैसेज क्या है। तो गाइस थी ना वीडियो कमाल की, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन स्क्रीन पे मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।